हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जे आर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई कर रहे होंगे और मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज हिंदी की, और हिंदी में हम बात करेंगे वर्णमाला की। हिंदी में हमने बहुत सारे लेक्चर कर लिए हैं, जैसे कि भाषा वाला लेक्चर हमने कर लिया था, और देवनागरी लिपि के गुण दोष और देवनागरी लिपि क्या होती है उसके बारे में हमने देख लिया था। पत्र लेखन हमने कंप्लीट करा लिया है, जन संचार हमने कंप्लीट करा लिया है। उसके बाद हम आए हैं यहाँ पर, जो कि है आपका वर्णमाला। वर्णमाला में मैंने स्वर वाला चैप्टर है जो कि कंप्लीट करा दिया है। आज हम बात करेंगे व्यंजन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल पर उत्तराखंड के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए अंतिम 45 दिनों का एक टारगेट मैं स्पेशल क्लास लेके चल रहा हूँ, जिनमें हम कर रहे हैं 45 दिनों का महासंग्राम। और इन क्लासों में आपको देखने को मिलेगा कंप्लीट सिलेबस, जो कि आपको टॉपिक वाइज आपके एग्जाम के लिए जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको ज़रूर देख लेना भाई। 5 क्लास हो चुकी हैं जिसमें मैंने इंडियन पॉलिटी की क्लास करा दी है। इसके अलावा 45 दिनों में 45 क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व में कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें मैंने 1 से 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लेना। और ये क्वेश्चन पेपर आपके ओल्ड क्वेश्चन पेपर होंगे जो कि प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं आपके आए होंगे उत्तराखंड के, तो उनको मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी, बहुत ही आपको यहाँ से आपका जो एग्ज़ाम के लिए तैयारी है वो बहुत अच्छी होने वाली है। तो आप ज़रूर देखना भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ में वीडियो को शेयर कर लेना। जितने भी आपके ग्रुप हैं, आपके रीच है, जहाँ पर भी व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा, वहाँ पर आप इसको शेयर करने की कोशिश करें। चलिए आज की वीडियो को अब हम करते हैं शुरू। देखो भाई, हम बात कर रहे हैं व्यंजन की, और व्यंजन में हम देखेंगे कि व्यंजनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। हिंदी वर्णमाला में जो 52 वर्ण हैं, 52 वर्णों में से अगर हम इनकी बात करें, अगर हम व्यंजन की बात करें तो व्यंजन, इनकी अगर हम बात करें तो कुल हैं हमारे पास 37 व्यंजन हैं कुल। कितने हैं भाई? 37 व्यंजन हैं हमारे पास कुल, ठीक है। इनमें से कौन कौन से हैं अब हम उनको देख लेते हैं। 37 कौन कौन से हैं उनको अब हम देख लेते हैं कुल व्यंजन। देखो अब इनमें से जो आपके सामने ये दिखाई दे रहे हैं ये कुल 37 होंगे। 5, 10, 15, 20, 25 और 4, 9, 10, ये टोटल कितने हैं? 37 हैं। अगर आपसे मूल व्यंजन की बात करेगा, क्या मूल व्यंजन, तो मूल व्यंजन कितने होंगे आपके? 33 होंगे। 33 मूल व्यंजन होंगे। अब ये किस आधार पर मैं कह रहा हूं, अभी मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा जब हम इसका वर्गीकरण देखेंगे। जब हम इसका वर्गीकरण देखेंगे तो तब देखेंगे मूल व्यंजन कौन कौन से हैं और कुल व्यंजनों की संख्या 37 किस प्रकार से है। तो हम इसका वर्गीकरण अगर करें तो सबसे पहला वर्गीकरण होता है अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर। अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर इनका वर्गीकरण देखो, वर्गीकरण तो पहला वर्गीकरण है अभ्यंतर प्रयत्न के आधार। अभियंतर प्रयत्न के आधार पर, ठीक है। तो अभियंतर प्रयत्न के आधार पर इनको 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन से हैं वो उनको हम देख लेते हैं भाई। सबसे पहले है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन मैंने यहां पर व्यंजन लिखे हैं, इनमें से स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से हैं उनको अब हम देख लेते हैं। देखो ये है के आधार, आधार में यहां पर लिख देता हूं। अगर हम क ख ग घ ङ की बात करें, इनको अगर मैं नंबरिंग करूं 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से आप नंबर कर लें और अपने नोट्स कॉपी में लिख लें। ये जो पहला वर्ग है इसको हम बोलते हैं क वर्ग। इसको क्या बोलते हैं? क वर्ग। क वर्ग आप इसको ध्यान में रखना, इसको हम बोलेंगे क वर्ग।
अब ये जो पीछे के वर्ण हैं इनको हम बोलते हैं पंचमाक्षर। क्या बोलते हैं इनको? पंचमाक्षर। तो क वर्ग या फिर इनको हम कंठ कंठ ध्वनियां भी बोलते हैं इनको, हम इनको क्या बोलते हैं? कंठ ध्वनियां भी बोलते हैं। फिर आपका आता है च वर्ग। च वर्ग पहला जो वर्ण है उनके नाम पर ही इनका वर्ग निर्धारित किया गया है, इसको हम बोलते हैं ट वर्ग। फिर आपका आता है त वर्ग और फिर प वर्ग। प वर्ग इसको हम बोलते हैं तालव्य, इसको हम बोलते हैं मूर्धन्य, और त वर्ग को बोला जाता है दंत्य, और प वर्ग को बोला जाता है ओष्ठ्य, ओष्ठ्य या फिर दंत्योष्ठ या फिर ओष्ठ, ठीक है, ओष्ठ्य इसको बोला जाता है। अब आप देखो ये जो चार वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, पांच वर्ग हैं, इन्हीं को बोला जाता है स्पर्श व्यंजन, इन्हीं को बोला जाता है स्पर्श व्यंजन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि स्पर्शी व्यंजन किनको बोला जाता है। इनकी अगर संख्या की बात करें तो कितने हैं भाई? पाँच ये हो गए, पाँच ये हो गए, पाँच और पाँच पच्चीस, पाँच इंटू पाँच कितने हो गए? पच्चीस। तो स्पर्शी व्यंजनों की कुल संख्या अगर आपसे पूछेगा तो ये है 25। फिर दूसरा आता है आपका अंतःस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन किसको कहा जाता है? ये वाले व्यंजन य र ल व, य र ल व, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन। और इनकी जो संख्या है वो कितनी है? चार है। इनकी जो संख्या है वो कितनी है? चार है भाई। फिर आपके आते हैं ऊष्मीय या फिर संघर्षी, क्योंकि इनको उच्चारण करने में ऊष्मा निकलती है, हमारी जो जीभ है वो संघर्ष करती है, संघर्ष मतलब घर्षण पैदा करती है, तो इसीलिए इनको बोला जाता है ऊष्मीय या फिर संघर्षी व्यंजन, ऊष्मीय या फिर संघर्षी व्यंजन। तो कौन से हैं? स स स ह वाले, तो इनको बोला जाता है ऊष्मीय या फिर संघर्षी, और इनकी जो संख्या है वो कितनी है? चार है भाई। फिर आते हैं हम चौथे पर, उनको बोला जाता है संयुक्त व्यंजन, इनको हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। कौन से वाले हैं? छ त्र ज्ञ स्र, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? चार। इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दो वर्णों के मेल से बने होते हैं। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि जो छ है वो किस किस से मिलके बना रहता है, जो छ है वो किस किस से मिलके बना रहता है, तो ये बना रहता है क प्लस स से। क प्लस स अगर हम मिला देंगे तो छ बनेगा, त प्लस र, त प्लस र बना देंगे तो त्र बनेगा, ज प्लस यो बना देंगे तो ज्ञ बनेगा, और श प्लस र कर देंगे तो स्र बनेगा, स्र बनेगा भाई। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इन दोनों को मिला के क्या बनेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, यहाँ से पूछे जाते हैं भाई संयुक्त व्यंजन से, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना। ये किन किन वर्णों से मिलके बने रहते हैं ये आपसे पूछ लिया जाता है। आपसे ये पूछ लिया जाता है कि छ किससे मिलके बना रहेगा, तो क और छ से मिलके बना रहेगा, ठीक है। तो इनके जो संख्या है वो चार है।
अब अगर हम देखें, मैंने अभी कहा कि कुल व्यंजन कितने हैं, तो इस प्रकार ये कुल व्यंजन कितने बने, कुल व्यंजन तो ये बने 25 और 4 29, 29 33 और 37, ये बन गए कितने 37 बन गए भाई, ये कितने बन गए 37 बन गए। इनमें से अगर हम बात करें मूल व्यंजन की, मूल व्यंजन तो मूल व्यंजन में हम संयुक्त व्यंजन को नहीं गिनते, ये वाले व्यंजन को नहीं गिनते, इनमें हम बोलेंगे स्पर्शी व्यंजन प्लस अंतःस्थ व्यंजन और प्लस ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन। तो ये कितने हो गए 25 प्लस 5 प्लस 25 प्लस 4 प्लस 4, तो ये टोटल हो गए 33। तो मूल व्यंजन कितने हैं 33 हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। कुल व्यंजन 37 हो गया। इनके अलावा कुछ और भी वर्णमाला में व्यंजन होते हैं, उनको व्यंजन की श्रेणी में रखा जाता है लेकिन काउंट ही नहीं किया जाता, उनको काउंट वर्णमाला में किया जाता है, जिनको हम बोलते हैं द्विगुण व्यंजन, जिनको हम बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। एक बार देख लेता हूं मैं, आपके ये कट तो नहीं रहे नीचे, हाँ थोड़ा सा कट रहा है मेरे ख्याल से। तो द्विगुण व्यंजन क्या कौन कौन से होते हैं भाई, ये देखो यहां पर लिख देता हूं मैं द्विगुण। तो द्विगुण होते हैं ड और ढ, इनके नीचे अगर हम बिंदी लगा देते हैं इनके नीचे, ये ड और ढ के नीचे, तो इन्हीं को बोला जाता है द्विगुण व्यंजन। तो इस प्रकार इनको भी अगर हम ऐड कर दें कुल व्यंजन में तो ये बन जाएंगे प्लस 2 और ये हो जाएंगे 39 हो जाएंगे। इनको हम गिनते हैं वर्णमाला में, हम इनको यहाँ पर नहीं गिनते, कुल व्यंजन में नहीं गिनते, इसलिए मैंने 37 लिखा है भाई, इसको देख लेना। ये दो व्यंजन को हम व्यंजनों में नहीं गिनेंगे, इनको हम गिनेंगे वर्णमाला में। तो आई होप आपको ये अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर हैं जो कि समझ में आए होंगे कि कौन कौन से हैं। अब हम चलते हैं कुछ और यहां पर देखने की कोशिश करो। इनको हम बोलते हैं स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ और ऊष्मीय संयुक्त, ठीक है। दूसरा इनको करते हैं हम घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर इनका वर्गीकरण अब हम करेंगे। घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अघोष, अघोष, और दूसरा होता है सघोष, सघोष। दूसरा क्या होगा, सघोष होगा भाई। पहला है अघोष और दूसरा है सघोष। घोषत्व मतलब होता है घर्षण के आधार पर, ठीक है। ये घर्षण के आधार पर अघोष और सघोष हैं, और ये अघोष कौन कौन से हैं अब हम उनको देखते हैं। अघोष कोई भी ये वर्ण है प्रत्येक वर्ग का, पहला और दूसरा व्यंजन, पहला और दूसरा व्यंजन, ये देखो ये है पहला और ये है दूसरा। इसमें देखो हम स्पर्श व्यंजनों को देखेंगे, अभी स्पर्श व्यंजनों को देखेंगे। स्पर्श व्यंजन पहले वर्ग और दूसरे वर्ग में जो भी आएंगे उनको हम बोल देंगे अघोष। जैसे क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये क्या है हमारे अघोष व्यंजन हैं, ये क्या है हमारे अघोष व्यंजन हैं, जो कि मैंने स्पर्श व्यंजनों की बात कर रखी है अभी। उसके अलावा अघोष कौन कौन से होंगे, अघोष होंगे ये वाले स स स। इसके अलावा कौन कौन से हैं, स स और स,
ये तीन क्या हैं? अघोष हैं। ये क्या हैं? अघोष हैं भाई। इन तो ये कितने कितने हो गए टोटल? आप देखो पाँच ये हो गए, पाँच ये हो गए दस, दस तीन तेरह, ये कितने हो गए? तेरह हो गए भाई। ये कितने हो गए? तेरह हो गए। देखो यहाँ पर अघोष, अघोष कितने हो गए? तेरह हो गए। अब हम चलते हैं सघोष पर। पहला और दूसरा वर्ग तो हो गया अघोष का, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा और पांचवा स्पर्श व्यंजन का, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ग जो है वो हमारा सघोष होगा। वो क्या होगा? सघोष होगा। उनके अलावा, इसके अलावा कौन कौन होंगे? जो अंतःस्थ व्यंजन है, ये सभी व्यंजन क्या हैं? सघोष हैं। अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन प्लस ये ह, अभी हमने ह इसमें काउंट नहीं किया है, ये वाला जो ह है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये क्या है? सघोष हैं। ये क्या है? सघोष है भाई। इसके अलावा सघोष में क्या क्या होते हैं उसको देखो। तो ये कितने हो गए? पांच ही हो गए, पांच ही हो गए, पांच ही हो गए, पंद्रह, पंद्रह और चार हो गए उन्नीस, और एक हो गया ये बीस, ये हो गया बीस। तो सघोष जो व्यंजन है वो टोटल कितने हो गए? बीस हो गए। तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग, ये सभी सघोष हैं। उसके अलावा य, र, ल, व, ये भी सघोष हैं। और ये जो ऊष्मी व्यंजन का ह है ये भी क्या है? सघोष हैं। ये क्या हैं? सघोष हैं भाई। अब हम देखते हैं प्राणत्व के आधार पर, अब हम देखते हैं प्राणत्व के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण है प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर का मतलब है कि हमारे मुंह से ध्वनि किस प्रकार से निकल रही है, कम ध्वनि निकल रही है या फिर अधिक ध्वनि निकल रही है। कम ध्वनि अगर निकलेगी उसको हम बोलेंगे अल्प प्राण, अगर हमारे मुंह से जिसको उच्चारण करने में अधिक ध्वनि का प्रयोग होगा उसको बोलेंगे हम महाप्राण। तो अल्प प्राण और महाप्राण, पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण, महाप्राण। तो अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? तो अल्प प्राण देखो भाई कौन कौन से होते हैं। अब पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग किसका? स्पर्श व्यंजन का। ये जो स्पर्श व्यंजन है इसका पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग, देखो क, च, ट, त, प, ये क्या है? अल्प प्राण। उसके साथ ग, ट, द, ब, फिर ङ, य, ण, न, म, ये सभी क्या हैं? अल्प प्राण हैं। अल्प प्राण इनके अलावा कौन कौन से हैं उनको अब हम देखते हैं। अल्प प्राण, तो अल्प प्राण में अंतःस्थ व्यंजन भी आ जाएंगे, अंतःस्थ व्यंजन भी आ जाएंगे। ये जो सभी हैं य, र, ल, व, ये भी क्या हैं? अल्प प्राण हैं। ये भी क्या हैं? अल्प प्राण। तो टोटल कितने होंगे? पाँच, दस, पंद्रह, पंद्रह और चार हो गए उन्नीस, उन्नीस ये हो गए जो कि अल्प प्राण हैं भाई। अब हम चलते हैं महाप्राण की ओर। महाप्राण, महाप्राण में देखो पहला, तीसरा, पांचवा तो हमारा आ गया अल्प प्राण, अब बचा कौन सा? दूसरा और चौथा वर्ग स्पर्श व्यंजन का, दूसरा और चौथा वर्ग। दूसरे में क्या हो गया? ये ख, छ, ठ, थ, फ, और चौथा घ, झ, ड, ध, भ, ये क्या हो गए? महाप्राण। इनके अलावा महाप्राण कौन कौन से हैं? ये जो ऊष्मी व्यंजन है, ये ऊष्मी व्यंजन है, सभी ऊष्मी व्यंजन, ऊष्मी व्यंजन,
तो ऊष्मीय व्यंजन कितने हैं, ये हो गए चार, और ये कितने हो गए, पांच ही हो गए, पांच ही हो गए, पांच पांच दस, दस चार चौदह, चौदह हमारे पास क्या हो गए, ये हो गए हैं महाप्राण, चौदह हो गए हैं महाप्राण। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं, हमने जो है इनको घोषत्व के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर डिवाइड करके आपके सामने लाने की कोशिश की, ठीक है। अब आपसे ये तो हो गया वर्गीकरण, अब ये अंतःस्थीय व्यंजन को मैं और थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन है जो कि बन सकते हैं, जैसे कि य र ल व है, य र ल व, इनको अगर हम देखें तो इनमें से जो य और व है, य और व, इनको बोला जाता है अर्धस्वर, इनको क्या बोला जाता है, अर्धस्वर, किस किस को, य और व को। ये जो र है, र को बोला जाता है प्रकंपी, प्रकंपी व्यंजन, प्रकंपी व्यंजन या फिर लुंठित, लुंठित व्यंजन, प्रकंपी या फिर लुंठित। और ये जो ल है इसको बोला जाता है पार्श्विक, इसको बोला जाता है पार्श्विक व्यंजन, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है जो कि यहां पर से थोड़ा एक्स्ट्रा है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, जो वर्गीकरण है मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और यहाँ से जो है क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आप इनको करने की कोशिश करना। सबसे पहले हमने वर्गीकरण में देखा कि चार प्रकार के होते हैं। पहला हमने देखा स्पर्शी व्यंजन, जो कि कण क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग थे 25। उसके बाद हमने अंतःस्थीय व्यंजन देखे, ऊष्मीय व्यंजन देखे, संयुक्त व्यंजन देखे, एक हमने देखा था द्विगुण व्यंजन, ठीक है। फिर हमने देखा था घोषत्व के आधार पर अघोष और सघोष, अघोष और सघोष देखा था। फिर हमने देखा प्राणत्व के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण भी हमने देखे। तो इस प्रकार से ये हो जाता है हमारा जो व्यंजन का चैप्टर है कंप्लीट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आप इसको कर ले जाएंगे जब आपके एग्जाम में आएगा। तो थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक टेक केयर।